एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हेल्दी से रिलेटेड कुछ बातें। हेल्दी लगाते इसमें हमें किस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे तो हेल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। हेल्दी का यूज़ हमारे देश में सदियों से चलते आ रहा है। कोई भी आप उपकरण लगा लीजिए, चाहे कोई भी फेस मास्क ले लीजिए, उसमें तो हल्दी का यूज़ होना ही होना है। हम तो घरेलू चीज़ में भी हल्दी का यूज़ करते हैं और मार्केट के जो भी प्रोडक्ट लाते हैं उसमें भी अधिकतर प्रोडक्ट में हल्दी का यूज़ किया जाता है। हल्दी लगाते समय हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर हम वो सावधानियों को नहीं बरते तो हल्दी फायदे की जगह हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं कि हल्दी लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सो आप ये वीडियो को आप ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धूप से बचना चाहिए। अगर आपने फेस पे हल्दी का यूज़ किया है या तो कोई ऐसा फेस मास्क लगाया जिसमें आपने हल्दी डाला है तो आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इससे आपके फेस पे सांवलापन आ जाता है। अगर आपने हल्दी लगा के धूप में यूं ही बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्किन काली हो जाती है। इसलिए हल्दी लगा के धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नंबर टू, साबुन से चेहरा धोना। जब भी हम अपने फेस पे हल्दी यूज़ करते हैं तो आपको कभी भी हल्दी लगाने के बाद फेस को नहीं धोना चाहिए। इससे क्या होगा, आपने जो भी फेस मास्क लगाया है तो इसका असर बिल्कुल कम हो जाता है। इसलिए आप हल्दी लगाने से पहले ही अपने फेस को अच्छे से धो लीजिए, तब अपने फेस पे हल्दी लगाइए। इससे आपका क्या होगा, इससे आपने जो भी फेस मास्क का यूज़ किया है, चाहे तो उसमें आपने हल्दी का यूज़ किया, चाहे तो आप ऐसे ही कच्ची हल्दी भी लगाते हैं, तो इसका असर आप डबल और ट्रिपल होने वाला है। इसलिए हल्दी लगाने के बाद फेस को बिल्कुल भी नहीं धोइए। नंबर थ्री, कुछ लोग हल्दी लगाने के बाद अपने फेस को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे फेस पे हल्दी की परत जमी रह जाती है। इससे क्या होगा, आपके फेस में रैशेस और एलर्जी जैसी समस्या की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जब भी हल्दी लगाइए आप अच्छे से साफ वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ठीक है। नंबर फोर, किसी भी चीज़ के साथ हल्दी को मिक्स करना। अगर हम हल्दी को किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करते हैं या कुछ गलत चीज़ों के साथ मिक्स करती है तो यह हमारे फायदे की जगह हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हल्दी में क्यूरमिन नामक तत्व होते हैं जो गलत चीज़ों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और वही जब हम अपने फेस पे लगाते हैं तो हमारे फेस में एलर्जी हो सकती है, हमारे फेस में दाने हो सकते हैं। इसलिए आप हल्दी को चाहे तो आप कच्चे दूध के साथ करिए, चाहे तो आप गुलाब जल के साथ मिक्स करिए। नंबर सिक्स, हल्दी को लंबे समय तक अपने चेहरे पे लगा के छोड़ देना। तो हम लोगों की मिथ होती है कि अगर हम हल्दी को ज़्यादा समय तक अपने फेस पे लगा के छोड़ देंगे तो हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इसे लंबे समय तक अपने फेस पे लगा के छोड़ देंगे तो इससे आपके फेस में रेडनेस हो सकती है, जलन हो सकती है, यहाँ तक कि आपके फेस में पीलेपन के निशान भी हो सकते हैं। तो आप हल्दी को 15 से 20 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिए, इतना इनफ होता है। ज़्यादा देर तक लगाने से आप में आपकी स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं आती है। नंबर सेवन, हल्दी को अपने फेस पर समान रूप से लगाना। आप हल्दी को जब भी लगाते हैं इसे अपने पूरे फेस पर एक समान रूप से लगाइए, एक परत लगाइए। आप अपने फेस का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़िए। इससे क्या होगा, आपने जो फेस अपने जिस फेस के जिस हिस्से पे से लगाया है वहाँ तो ग्लो करेगी और जहाँ पे नहीं लगाया है वहाँ ग्लो नहीं करेगी। इसलिए हल्दी को एक सार लगाइए। ये थी हल्दी से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ नॉलेज। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन कौन सी बातें आपको पता थी और कौन कौन सी बातें आपको पता नहीं थी। तो आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।